अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फाइनली मेरी मुलाकात होगी है सादिया रिंद साहिबा और गाजी साहब से। गाजी साहब जो हैं वो फ्रॉम बांग्लादेश से हैं और सादिया रिंद जो हैं वो यूट्यूबर हैं। आज इनसे वो सवाल पूछेंगे जो कि कॉमन नहीं होते बल्कि जो सबके दिलों में होते हैं, तो बहुत से पर्सनल सवाल भी पूछेंगे और वो है उर्दू स्पीकिंग फ्रॉम कराची। आपकी वीडियो देख कराची। हाँ, आप कहाँ से? हैदराबाद। ओ जिंदाबाद। हैदराबाद से भाई इनका ताल्लुक है और हैदराबाद जो है वो सिंधी बोलते थे। असाई बबा असाई मेरे सिंधी दोस्त थे वो, जो आप रिंद है ना, रिंद मेरा एक दोस्त था रजाक रिंद। बबा ये भी बबा है, वो ही रिंद है, ऐसा ही बोलते हैं ना आप लोग? ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, इनका ले जा देख रहे हो आप भी। हाँ बिल्कुल वैसा ही ले जाओ रहा है मेरे को, बहुत वो मिस कर रहा हूँ कराची को। कराची में मेरे दोस्त थे, अदनान भाई थे, रजाक भाई थे, ये सब सिंधी थे, ऐसा ही बोलते हैं। उनसे मैंने सीखा था ये स्टाइल है। मिलके बहुत खुशी हुई है बाबा, आज इनके साथ व्लॉगिंग करेंगे। बहुत लंबी वीडियो है मगर आपको बोर नहीं होने दूंगा एक मिनट के लिए भी। वैसे इनके बारे में आप लोग बहुत से लोग तो जानते हैं। रात को जब मैंने इनकी वीडियोज़ देखी बाबा एकदम हैरान हो गए, बहुत मेहनत करती है। वैसे आप यहाँ पे क्या स्टडी वीज़े पर हैं? हाँ स्टडी वीज़ा पे हूँ लेकिन मुझे 4-5 साल हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी और कितना देना है यहाँ पर? अभी और मास्टर्स कर रही हूँ ना, तो अभी और 1 साल और है। वो मास्टर कर रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद के पैसों से। वाह भाई, तो यहाँ पे पैसे कमाती हैं या फिर पाकिस्तान से मंगवा? कमाए थे, स्कॉलरशिप पे थी पहले अंडर ग्रेजुएट के टाइम 4 साल, तो मैंने वहाँ पे पैसे कमाए नहीं थे, सेविंग किए थे और पार्ट टाइम जॉब से की थी जी। और अभी मास्टर्स खुद के पैसे से कर रही हूँ। ओह जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। यकीनन बहुत लंबी स्ट्रगल है, तो अभी रास्ते में जो है यकीनन थोड़ा सा शोर शराबा भी है। यहाँ पे मैं गैंगनम स्टेशन है यहाँ का, और गैंगनम स्टाइल आपने गाना भी सुना होगा, गैंगनम बहुत ही फेमस है। हाँ फेमस सॉन्ग है। तो हम उसी स्टेशन पे हमारी मुलाकात जो है वो डिसाइड हुई थी कि यहाँ पे हम मुलाकात करेंगे, एक दूसरे से मालूमात शेयर करेंगे। तो कहीं पे बैठने की जगह क्या पियूँगा जो आपको मुनासिब लगे वो सब कुछ पी लेंगे। कॉफ़ी भी पीता हूँ, चाय भी पीता हूँ, नाश्ता भी करता हूँ पूछ रही है मैंने कोरियन कहाँ से सीखी। मैंने कोरियन एक कोरियन गर्लफ्रेंड से सीखी। भाई नहीं, मैंने चिंगू ऑफ चिंचा, मैंने कोरियन जबान असल में मैंने कंपनी का मालिक था उससे सीखी थी ना, तो कंपनी का मालिक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इतना हेल्प किया है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता हूँ। अभी इंटरव्यू में सब कुछ बताऊँगा। मेरी बहुत सी मालूम आज मुझसे पूछी है इन्होंने, जो मुझसे पूछनी है ऐसी मालूम पूछनी है कि आप लोगों को किसी भी इंटरव्यू में किसी ने ऐसी बात नहीं पूछी है ना। आज मुझसे पूछेंगी सादिया रिंद साहिबा, तो इनके चैनल पे आप मेरी तमाम मालूम देख सकते हैं। Hey friends, welcome back to my channel. और आज देखिए हमारे साथ कौन है, कमर भाई। एक मिनट भाई, ये जो है अभी मैं थोड़ी सी शोर लेने लगा था कि क्या क्या एसेसरीज हैं इनके पास, मतलब के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कैमरा मैन के साथ बेहतरीन कैमरा है और जी, ये मेरी इनके बहुत हेल्प करते हैं कैमरा के काम। हाँ, और बहुत ज़बरदस्त इनके मतलब के कुलीग हैं, फ्रेंड्स हैं इनके जो कि इनकी हेल्प करते हैं। काश हमें भी कोई ऐसा फ्रेंड मिले, वैसे हैं तो सही मगर वो किसी ना किसी काम में हर कोई बिज़ी होता है। तो इनके पास बहुत ज़बरदस्त, मुझे इनकी क्या तारीफ़ करूँ, ड्रेसिंग से लेकर मेकअप तक। हमारा वो भी आ गया कॉफ़ी। अच्छा कॉफ़ी आ गया, दादा कॉफ़ी ले आए, मैं लेके आता हूँ वहाँ पे। आओ भाई
का हमारा मेन्यू कोरिया में इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन करके देते हैं ना। हाँ, सुबह नाश्ता करके आए हूँ, समझदार लोग होते नाश्ता करके नहीं आते ना जल्दबाजी में, क्या करें, ये कोरिया की लाइफ, हमें टाइम नहीं है खुद के लिए नाश्ता बनाए, घर में तो अम्मी बना के देते हैं। वाह वाह, अम्मी याद आ गई। खैर मैंने जो है ना, मैं फिक्स 10 बजने में 3 से 4 मिनट कम थे मैं पहुंच गया था। मुझे ये था कि अभी ये ना 10:30 बजे के करीब पहुंचेंगी, यहाँ 10:15 बजे के करीब। मैं कैमरा सेट कर रहा था ना कि कैमरा कहीं सेट कर लेता हूँ, दुआ सलाम करूँगा, फिर वो जो है ना वायरलेस माइक के ज़रिए दूर से हमें जो बात होगी वो पता चलेगी। अभी मैं सोच रहा था कहाँ पर अपना कैमरा सेट करूँ ना, कैमरा ये पड़ा हुआ है। अभी मैं कैमरा ऊपर कहीं सेट करने का सोच रहा था, ये पहले ही आ गई, तो इसलिए वो सीन रह गया, मगर वो बहुत से सीन मिले। भाई कोरियन रेस्टोरेंट सादिया और नोमी साहब फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम साउथ कोरिया। इसे कहते हैं सेवो फुबुम फाप, इसमें मछली और चावल और अंडा वगैरह, हाँ ये सब कुछ मिक्स किया होता है। इसे फिबिम फाप कहते हैं, याच्छे फिबिम, मतलब सब्जी हो गई, चावल हो गए, अंडे हो गए और थोड़े से मसाला जात के साथ इसको केचप बीच में डाल के खाई जाती है। इसको नेंगमियन कहते हैं, बर्फ़ वाले ठंडे पानी में ठंडे नूडल्स साथ एक बॉइल अंडा होता है और साथ केचप होती है। तो हर डिश का अपना ही जायका है। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो ये मेरी थोड़ा ये मेरे यूट्यूब का बटन भी दबा। ओह वाओ, दिल अभी बड़ा नहीं भाई, लिखा हुआ है टू कमल शाह फ्रॉम सादिया रिंद यूट्यूब के साथ बना हुआ है, क्योंकि इनकी ये स्टडी ये कर रही है, तो बहुत ज़बरदस्त एक बनाया है। तो क्यों ना अभी खोल के देख लीजिए, यहीं पे यहीं पे देख लेते हैं कि क्या है। नहीं कैमरा नहीं, कैमरा ये क्या है? ये क्या, ये मेरा आर्ट वर्क है। अच्छा आप ये काम करते हैं? हाँ, तो ये मतलब ये स्टडी कर रही हाँ हाँ, ये सेरामिक का है, मैंने बनाया था। अच्छा ये आपने बनाया था? जी ये मैंने पूरा खुद बनाया है, बेकिंग किया है, कलर लगाया है, शाइनिंग लगाई है। तो ये किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है? ये डेकोरेशन के लिए, या फिर इसमें पेंस वगैरह डाल दें या फ्लावर्स डाल दें और उल्टा करें। नीचे मेरा लोगो भी है SR का। ओ सादिया रिंद। हाँ अच्छा, फिर सही, मैंने समझा सादिया कमर, आर आता है ना कमर, आर वो समझ रहा था। खैर भाई ये रिंद बरादरी है, वो बुरा ना माने, मेरा एक अब्दुल रजाक रिंद बलोच लड़का दोस्त था, बहुत पर्सनली दोस्त, तो मैं रिंद फैमिली को जानता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इतना ज़बरदस्त गिफ्ट देके। अच्छा इन्होंने बोला इसमें पेन रखना, अगर ये ना बताते तो मैं इसमें चाय पी रहा होता ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सादिया साहिबा का, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपने मुझे गिफ्ट दिया। तो मैं इंशाल्लाह अगली बार आऊँगा तो इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। वो ज़बरदस्त यार, कमाल हो गया, अभी कमाल हो गया। इसको तो मैं अपने ड्राइंग रूम में पाकिस्तान में जाके सजा के रखूँगा, वो सामने ये रखूँगा, कमाल शाह फ्रॉम सादिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।